दोस्तों मेरे हाथ में दो फ़ोन्स हैं, ये आईफोन 12 है जो अराउंड 60,000 के आसपास आता है, एंड ये वाला जो फ़ोन है ये वन प्लस का नॉर्ड है, 30,000 के आसपास इसकी भी रेंज है। तो आप देख सकते हैं लगभग डबल द प्राइस है, और डबल द प्राइस में आपको क्या ऑफ़र हो रहा है, कैसी वीडियो क्वालिटी मिल रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आईफोन से आजकल वीडियो शूट करते हैं तो आईफोन की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर बताया जाता है। ये हम प्रैक्टिकली आज देखेंगे बिना किसी फिल्टर के, और आप खुद ही पता लगाइएगा वीडियो के लास्ट में कि कौन सा फ़ोन जो है कितने मार्जिन से विन कर रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों के बता दिए स्पेक्स, अब चलते हैं लाइव प्रैक्टिकल टेस्ट की ओर। मैं तीन तरीके से इसका टेस्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको आउटडोर के टेस्ट दिखाऊंगा इन दोनों के। सबसे पहले जो मैं आपको टेस्ट दिखाऊंगा वो फुल एचडी और 30 FPS पे दिखाऊंगा, फिर आपको सेमी इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में दिखाऊंगा, और फिर डार्क कंडीशन में भी दोनों की वीडियो परफॉर्मेंस बताऊंगा। तो आप लाइव देख पाएंगे कि कैसे आपके जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर हैं आपके साथ जो आप पैसे पे कर रहे हो उसकी क्या वैल्यू आपको ऑफर करी जा रही। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्पीड से वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी तरह का बायस्ड मेरा किसी स्मार्टफोन की तरफ ना हो जाए इसलिए मैं आपको दिखा दूं वीडियो में दोनों ही फुल एचडी और 30 FPS पे मैंने सेटिंग कर रखी है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों दोनों ही फोन्स को बाहर लेके चलते हैं और पहले सिचुएशन जो कि आउटडोर सिचुएशन है उसमें टेस्ट करते हैं दोनों की ही वीडियो क्वालिटी को। तो दोस्तों ये हम आ चुके हैं, मैं दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा को ऑन कर दे रहा हूँ, ये मैंने दोनों के कैमरा ऑन कर दिए हैं, एंड आप देख सकते हैं इंस्टेंटली जो आईफोन है उसने कितना अच्छा एक सेपरेशन सा क्रिएट करा है ऑब्जेक्ट का, और साथ ही साथ कॉन्ट्रास्ट लेवल्स अगर आप देख पाए तो मेरे राइट साइड वाले नॉर्ड स्मार्टफोन में, और जनरली यही ट्रेंड है मोस्ट ऑफ द चाइनीज स्मार्टफोन्स में कि जो ऑब्जेक्ट उसको ज़्यादा काला करके या डार्क करके दिखाया जाता है। कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ाने से लगता है इन लोगों को बहुत बेहतरीन क्वालिटी आएगी। अब थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे जाने पे जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे आईफोन में है वो अभी भी क्लियर है और वेल सेपरेटेड है बैकग्राउंड से, वहीं जो राइट वाला है नॉर्ड, अब मुझे नहीं पता ये वीडियो एक्चुअली में ऐसा क्यों आ रहा है बट हल्का हल्का लैग हो रहा है क्योंकि मेरा फ़ोन जो है ये गर्म होने लगा है राइट साइड वाला नॉर्ड, और वहीं पर आईफोन 12 भी गर्म है बट लैग बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अब थोड़ा सा ग्रीनरी की तरफ चलते हैं, पेड़ों की तरफ, तो देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छा कलर मेंटेन कर रहा है। तो दोस्तों सरप्राइजिंगली यहाँ पर कलर दोनों मेंटेन कर रहे हैं बट वाइड एंगल जो मेन कैमरा है ये भी हल्का ज़्यादा वाइड है नॉर्ड के मुकाबले, तो ये ज़्यादा अच्छा बैलेंस्ड एक आपको व्यू दे रहा है। और आप अगर देखें तो यहाँ पर कितना डार्क हो गया है वन प्लस का फ़ोन, वहीं पर बहुत ही अच्छा बैलेंस करा है आईफोन ने, और यहीं पर हम थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन है आज, तो अगर आप बादलों की तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पर तो उतना मेजर डिफरेंस मैं नहीं कहूँगा बट कॉन्ट्रास्ट लेवल्स का इशू डेफिनेटली है इस फोन में। तो आप देख सकते हैं आउटडोर सिनेरियो में जहाँ पर एम्पल लाइट है वहाँ पर अच्छा खासा आपको एक डिफरेंस देखने को मिल जाता है सब्जेक्ट में और बैकग्राउंड में, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आउटडोर सिचुएशन में कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा फोन। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं सेमी इंडोर कंडीशंस में और यहाँ पर लाइटिंग है बट पूरी तरह से आप नहीं कह सकते, और आप शुरुआत में की क्लिप में देख सकते हो जो पीछे का ग्लेयर है कितना शानदार मेंटेन कर रहा है आईफोन ने, वहीं जो वन प्लस का फ़ोन है वो बिल्कुल फेल हो गया है, सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग की एक चमक दिख रही है, एक ग्लेयर सा है, बंदा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अब आप देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है, थोड़ी सी भी लाइट कम होते ही आप देख सकते हैं जो हमारा नॉर्ड है वो तो लग रहा है कि कोई 10,000 रुपये का फ़ोन होगा, और वहीं पूरी तरह से आपकी कैपेबिलिटी दिखाता हुआ अपना आईफोन है। अब जैसे मैं पास जाता हूँ तो ये बोर्ड के साइन की तरफ चलते हैं, तो आप देख सकते हैं आईफोन ने एग्जैक्ट वही कलर्स मेंटेन करे हैं, वहीं नॉर्ड जो है उसको एक्स्ट्रा एक्सपोजर जो नहीं देना चाह रहा, पता नहीं क्यों अजीब सा एल्गोरिथम इसका, कॉन्ट्रास्ट बहुत कर देता है, कलर्स को ओवर सेचुरेट करा। देखिए ये सोफे के कवर का कलर है आप देखें तो आईफोन बिल्कुल एग्जैक्ट 90% मैं कह सकता हूँ रिप्रोड्यूस करा है, करेक्ट तो वो भी नहीं है, मगर ये भाई साहब वन प्लस नॉर्ड तो कहीं अलग ही हैं, दुनिया से ही बाहर हैं। तो एक बार फिर हम अपने कैमरामैन पर फोकस करते हैं, आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी सिचुएशन है पता लगाने की, ये जो पोर्शन है इस बरामदे का आप कह सकते हैं, तो यहाँ लाइट
बहुत कम भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और यहाँ पर ओवर एक्सपोज करने के चक्कर में बिल्कुल फुटेज की ऐसी की तैसी कर दी है नॉर्ड ने। और वहीं आईफोन की बात करूँ तो आईफोन जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है और नेक्स्ट टू ओरिजिनल इमेज ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो थम्स अप है, कूडोज है यहाँ पर आईफोन को। तो मैं यहाँ पैन करता हूँ ज़रा और आप रूम में देख सकते हैं जैसा कलर है वैसा ही प्रोड्यूस कर रहा है आईफोन। और कलर बिल्कुल वॉश्ड ऑफ हो गए हैं वन प्लस में, एक्सपोजर बिल्कुल मेंटेन नहीं कर रहा है और पता लग रहा है कि यहाँ पर कौन सा फ़ोन जो है वो कॉस्टलियर है और कौन सा फ़ोन है जो चीप है, बल्कि 30,000 के भी नीचे के फ़ोन की तरफ परफॉर्म कर रहा है वन प्लस नॉट, जो कि काफ़ी शर्म की बात है। तो दोस्तों ये था हमारा सेमी इंडोर टेस्ट। तो दोस्तों अब हम आते हैं इनडोर लाइटिंग पे, अब हमने रूम की तरफ जा रहे हैं हम लॉबी की तरफ से। और एक बार फिर आप देख सकते होंगे नॉर्ड की कंडीशन बदतर से बदतर होती चली जा रही है और वहीं आईफोन बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। सिर्फ एक ये 10-12 वॉट का बल्ब है ये चल रहा है, तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कितना अच्छा मेंटेन करा है आईफोन ने, शानदार बिल्कुल। और कह सकते हो 50,000 के DSLR तो आसानी से बीट कर सकता है। वहीं नॉर्ड के तो हालत ही पंचर है दोस्तों, कुछ कहने के ही नहीं है। तो अगेन आप देख सकते हैं जो आप 30,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इसमें आप क्या लग पा रहे हैं, क्यों इतने यूट्यूबर्स सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर जो हैं ये आईफोन को ही प्रेफर करते हैं कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए। मेरे हाथ से तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वो कलर जो है वो एग्जैक्ट लेफ्ट वाले आईफोन में है, वहीं जो कलर है वो एक मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कलर जो है वो एग्जैक्ट प्रोड्यूस कर रहा है पता नहीं किस वजह से अपना जो वन प्लस है, जैसा मैं आँखों से देख पा रहा हूँ वैसा कलर 90% प्रोड्यूस कर रहा है और थोड़ा सा ब्राइटनेस या एक्सपोजर मेंटेन करने के चक्कर में यहाँ पर जो अपना आईफोन है उसने कलर एक्सपोज कर दिया थोड़ा। अब यहाँ से कलर थोड़ा थोड़ा मेंटेन हो रहा है बट एक्सपोजर मेंटेन करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम इस कलर को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल फुटेज जो है वो आईफोन की काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हालांकि कलर्स के मामले में दोनों ही एक्यूरेट नहीं है। अब मैं यहाँ पर पैन करता हूँ तो आप देख सकते हैं लाइटिंग का फ्लेयर कितना अजीब सा आ रहा है। आपने देखा कि हमने दोनों ही फ़ोन को टेस्ट करा और मैं एक चीज़ जो मैंने जनरल ट्रेंड नोटिस करा, दोनों ही फुटेज जो है दोनों ही फ़ोन जो हैं गर्म थे यहाँ से कैमरा पोर्शन की साइड से और यहाँ कहीं प्रोसेसर शायद दोनों का लगा होगा इस साइड से दोनों ही गर्म थे। बट एक चीज़ जो मैंने देखी ये गर्म होने के बावजूद इसने मैंने 1080p पे फुटेज शूट करी है तो इस फ़ोन ने लगातार कंटिन्यू करा है। और जो वन प्लस फ़ोन है ये एब्सर्डली इतना ज़्यादा गर्म हो गया तो मैं किसी की कॉल्स भी आ रही थी वो भी पिक नहीं कर पा रहा था। कॉल्स तो पिक करना छोड़िए, कोई ऐप भी यूज़ करना है मुझे बंद भी करना है तो वो भी नहीं कर पा रहा था। किस तरह से मैंने मुश्किल से इसको रिस्टार्ट किया है मैं ही जानता हूँ। तो वन प्लस की एक और बड़ी हार है ये सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में, जहाँ ऑक्सीजन OS जो है एक समय पर इतना बड़ा टाउट किया जाता था, इतना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड का जो आईफोन तक को टक्कर देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आज के टाइम में आप में से कुछ ऐसे वन प्लस फैंस होंगे जिनको बुरी लगेगी बट मेरे चैनल का मेन मोटिव यही है कि आपकी तरफ ट्रुथ पहुँचाना। और इस तरह मैं ब्रूटली कहना चाहूँगा वन प्लस को कि वन ऑफ द वर्स्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है आज के टाइम में, क्योंकि जब ये वन प्लस फ़ोन मैंने लिया था उस समय का सॉफ्टवेयर जो ओरिजिनल ऑक्सीजन OS था और अब जो एक रीब्रांडेड वर्जन है ओप्पो का उसके मुकाबले दो कौड़ी का फ़ोन है ये, सीधी सी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा। तो अगेन आपने देखा इस वीडियो में कि 30,000 रुपये जो आप इस फ़ोन के लिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो किस लिए हैं और आपको क्या ये वैल्यू देता है नहीं, आपको ये भी मैंने लाइव दिखा दिया इस वीडियो में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि जनरल ट्रेंड्स जो होते हैं अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियो बना लो, अंडर 30,000-40,000 फ़ोन्स की वीडियो बना लो, ये तो दोस्तों आपको आसानी से ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो वीडियो मिल ही जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो जनरल बात है, अब जनरल वीडियोस हैं कभी बना ली जाती हैं। किस बंदे के लिए कौन सा फ़ोन यूज़फुल है तो इसी सीरीज़ में मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए लाया था। तो आई होप आपको हमारा ये एफर्ट एक अनबायस कंटेंट देने का, एक ट्रूथफुल कंटेंट देने का आपको पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आ रहा हो तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ एंड करते वीडियो को, जाने से पहले टन से वो घंटा दबा के लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी अनबायस वीडियो हमारे चैनल के थ्रू लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको।